चलिए अगला सवाल लेते हैं जो कि ईमेल से पूछा है विक्रम ने हरियाणा से। इनका सवाल है इनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। हर्षजीत ने पूछा है क्या ये सही समय है ये गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या तरीके हैं जिनसे ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड हो या इक्विटी हो, दोनों में ही मेरे ख्याल से हर समय वैसे सही है, लेकिन किस अनुपात में करना है वो डिसाइड करिए। एंड कभी भी एक साथ में इन्वेस्ट ना करिए, कभी टाइम करने की कोशिश ना करिए कि अब मार्केट लो लग रहा है यहाँ से बढ़ेगा, अब मार्केट हाई लग रहा है यहाँ से गिरेगा। वो कर पाना करीबन करीबन इम्पॉसिबल है, बहुत ही बिरले ही लोग होंगे जो ये कर पाते हैं। एक आम आदमी को चाहे इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो या गोल्ड में, सिस्टमेटिकली करें, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें, 5 साल 7 साल 10 साल एग्जैक्ट अमाउंट, सेम अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। सोने का जहाँ तक सवाल है, अपने आपके पूरे पोर्टफोलियो में उसका अनुपात बहुत ज़्यादा आप ना करें, 5% से 10% डिपेंडिंग आपके आपका सोने के प्रति क्या नज़रिया है, 5 से 10% एडवाइजेबल है। और इसको इक्विटी गोल्ड फंड के थ्रू करें, न कि डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड में करें। आई थिंक काफ़ी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी हैं गोल्ड के, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं, दोनों आप देख सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में सिप करना आपको आसानी रहेगा। रिलायंस का गोल्ड फंड है, SBI का गोल्ड फंड है, उसमें थोड़े से चार्ज ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सिप करने की सुविधा उसमें आसानी से मिल जाती है। जी बिल्कुल हर्ष जी, आप इनको हम और दर्शकों के लिए ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया ये ETF में या गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप फिजिकल गोल्ड लेना भी दर्शकों को एडवाइस करेंगे? प्रिफरेबल जैसे मैंने कहा कि आप फंड में करिए, उसके कई फायदे हैं। एक तो फंड में करते हैं आपका अगर होल्डिंग बहुत बड़ा है उस पर वेल्थ टैक्स नहीं लगता, पहली बात। सेकेंड, उसको हिफाजत से रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कागजी रूप में सोना है। जब आपको चाहिए, समझो आप अपने बच्चों की शादी के लिए जमा कर रहे हैं, तो जब आपको चाहिए तब उस फंड के उसको भुना कर आप सोना फंड से भी ले सकते हैं या फंड से पैसे लेके उससे सोना खरीद सकते हैं। फंड की जो प्राइस है वो सोने के NAV के साथ ही घटेगा बढ़ेगा। तो मतलब एक तरीके से सोने में इन्वेस्टमेंट हो गया बिना उसकी झिकझिक के, और टैक्सेस का भी इसमें थोड़ा सा एडवांटेज है। जी बिल्कुल, तो जैसे हर्ष जी बता रहे हैं कि आप ETF और गोल्ड फंड में निवेश कर सकते हैं, हालांकि फिजिकल गोल्ड बहुत ज़्यादा उसमें हैसल होता है इन्वेस्ट करने में। चलिए अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु।